Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Shriyansh Pandey, IIT JAM 2020 के लिए क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड है और लिमिट के चैप्टर से प्रॉब्लम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसमें से मैं बताना है कौन सा गलत है. हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं. इस क्वेश्चन को आपको लगाने में 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन हम इसको डिटेल में बताएंगे. पहले तो इस क्वेश्चन को यानी पहले वाले को चेक करते हैं, ए को, क्या ये ट्रू है या नहीं. हमें फॉल्स इन चारों में से कोई एक गलत होगा, उसको फाइंड करना है. तो पहले इस फर्स्ट लिमिट को देखते हैं. लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपान ई टू द पावर एक्स. अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये फॉर्म जो बन रही है वो इन्फिनिटी अपान ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो इसलिए ये फार्म इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन जाएगी. और ऐसी फार्म अगर बन जाती है तो डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं. लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, ये इसमें ये करना होता है लॉपिटल रूल में कि आप न्यूमरेटर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. तो अब फिर दोबारा से एक्स बराबर यहाँ पर लिमिट हटा दें और एक्स बराबर इन्फिनिटी रख दें. अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन्स ये 7 अनडिटर्मिनेंट फार्म होती हैं, जैसे इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, 0 अपान 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी 7 होती हैं. तो उनमें से कोई फार्म ये नहीं बन रही है, इसलिए हम इसे लिमिट हटा के इसकी वैल्यू रख सकते हैं. ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है और 1 अपान इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है. इस तरीके से राइट हैंड साइड भी हम देख रहे हैं 0 के इक्वल है, तो हमारा ये ए जो है वो ट्रू है. हम बी को चेक करेंगे. तो बी में लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस, मतलब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है. ये राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कर देंगे और जहाँ जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ज़ीरो प्लस एच रख देंगे. हालांकि यहाँ पर ऐसे करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये ज़ीरो है, इसलिए वैसे और कोई लिमिट होती तो चेंजेस कुछ नज़र आते, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा और लिमिट भी राइट हैंड लिमिट है प्लस है, इसलिए कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा. यानी एक्स की जगह पर एच हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं, वही आ गया. अब इसको हम वन अपन एच को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो लिमिट क्योंकि अभी जो फार्म बन रही है वो ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फार्म बन रही है. चेक करें अगर हम अगर यहाँ रखते हैं एच बराबर ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे बनापन ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है. तो इस तरीके से ये फार्म ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फार्म बन रही है, यानी यहाँ पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं. तो इसलिए इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एच को ऊपर ले जाएंगे तो वन अपान एच हो जाएगा और ये ई की पावर वन अपान एच हो जाएगा. अब यहाँ पर देखेंगे जो फार्म बन रही है वो एच बराबर ज़ीरो रखने पर वन अपन ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर एच बराबर ज़ीरो रखने पर वन अपन इन्फिनिटी ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा. ई की पावर इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी ही होता है. इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों इन्फिनिटी या ज़ीरो होने चाहिए, तभी हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएशन कर लिया जाता है, जो भी वेरिएबल हो. यहाँ पर एच है, इसकी लिमिट है एच टेंस टू ज़ीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस वन अपान एच आ जाएगा. और ई की पावर एक्स का जिस तरीके से होता है ई की पावर एक्स, लेकिन चूंकि ये एक्स एच नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस वन अपान एच स्क्वायर हो जाएगा. जिस तरीके से वन अपान एच का डिफरेंशिएशन वन अपान एच स्क्वायर हो गया था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वन टाइम्स. अब जितना बचा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वह वन अपान ई की पावर वन अपान एच, और इसमें लिमिट हटाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यानी लिमिट हटा दीजिए और यहाँ पर एच हम ज़ीरो रख दें, और वन अपान ज़ीरो इन्फिनिटी होता है और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो वन अपान इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर रह गया. तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ज़ीरो है. इस तरीके से बी भी ठीक है. अब हमें देखना है सी को चेक करना है कि ये यानी बी ट्रू है, तो सी देखना है क्या होगा. तो लिमिट एच एक्स टेंस ज़ीरो प्लस साइन एक्स अपान वन प्लस टू एक्स, तो इसमें भी फॉर्मेलिटी अदा कर सकते हैं. यानी लिमिट को चेंज करना होगा, एच टेंस ज़ीरो कर लो और जहाँ जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ ज़ीरो प्लस एच रख दो. तो वन प्लस टू ज़ीरो प्लस एच, तो इसमें लिमिट हटाने पर एच टेंस ज़ीरो
अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं हम साइन एच अपान में वन प्लस टू एच, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी लिमिट हटा दो, जहाँ पर भी एच नज़र आ जाए वहाँ पर ज़ीरो रख दो। तो वन प्लस टू इंटू ज़ीरो, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो और डिनोमिनेटर में ये ज़ीरो एन ज़ीरो अपन वन आ गया जो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो देख रहे हैं सी ऑप्शन भी ट्रू है, तो अब हमें टिक कर सकते हैं डी, हमारा आंसर फाल्स होगा यानी सही होगा, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम दिखा भी दे रहे हैं ये डी के वैल्यू ज़ीरो के, डी वाला ऑप्शन जो है वो ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन में थी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस कॉस एक्स अपान वन प्लस टू एक्स, वन प्लस टू एक्स इसकी वैल्यू ज़ीरो हमें चेक करना है होगी या नहीं होगी। तो इसको हम लिमिट को पहले चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंस ज़ीरो और जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर ज़ीरो प्लस एच, तो वन प्लस टू ज़ीरो प्लस एच और ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस ज़ीरो कॉस एच अपान वन प्लस का टू एच। अब हम यहाँ पर लिमिट हटा दो और जहाँ पर भी एच है वहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो रख देंगे, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है। इस तरीके से वन अपन वन वन के कुल आ रहा है, ये ज़ीरो के कुल नहीं आ रहा, यानी हमारा ऑप्शन डी जो था वो जो लिखा था ज़ीरो वो गलत था। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी सही होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।